अच्छा, वो ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन आए कि जिसका पीरियड कोई स्पेसिफिक पीरियड हो, तो अगर कोई फंक्शन हो जिसका आर्बिट्री पीरियड हो, उसके लिए क्या करें? ठीक है, थीटा के लिए तक हम सारे पहले फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसलिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है डी थीटा बाय डी टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है। जब ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, ये थीटा इज इक्वल टू टू पाई एफ टी में। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी, फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ की जगह वन ओवर टी डाल दें तो ये टू पाई डिवाइडेड बाय टी, ये टी टाइम पीरियड वाला और इनटू टी होगा। ये टी टाइम पीरियड किसी भी आर्बिट्री फंक्शन का है, ठीक है। थीटा की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी तो थीटा के साथ जब डी डी थीटा करेंगे तो इसके साथ डेरिवेटिव लें तो यहाँ डी टी आ, ठीक है। अंतर थीटा की वैल्यू माइनस पाई है, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई पुट की तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू पाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस टी बाय टू हो जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू पाई है तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, टू पाई आके डिवाइड हुआ तो टी डिवाइडेड बाय टू आ गया। माइनस पाई के लिए माइनस टी बाय टू और पाई के लिए माइनस टी बाय टू, तो ए के लिए पाई के लिए टी बाय टू। अब देखो जीरो से पाई टू पाई, क्योंकि पिछले वाले तक हमने भी तक किया उसका पीरियड टू पाई था। अगर एक कोई फंक्शन होता है जिसका पीरियड टी है तो क्या जाएगा? माइनस टी बाय टू से लेकर पॉजिटिव टी बाय टू, ठीक है। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। एम की वैल्यू इसी तरह माइनस पाई से पाई तक की वन ओवर टू पाई का, ये वन ओवर टू पाई की जगह वन ओवर पाई लिखा होता तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई को रिप्लेस करेंगे टी बाय टू से, तो पाई को टी बाय टू से रिप्लेस किया तो नीचे वाला टू अपन ऊपर चला गया, माइनस टी बाय टू से तक इंटीग्रेट कर दिया। अब हम थीटा को किसके रिप्लेस करना? थीटा इज इक्वल टू टू पाई एम टी डिवाइडेड बाय टी, देखो थीटा इज इक्वल टू मेगा टी था, मेगा की वैल्यू क्या थी? टू पाई एफ, और एफ को रिप्लेस कर दिया वन ओवर टी। एम की वैल्यू निकाल दी, इसी तरह बी एन की वैल्यू निकालने के लिए भी हमने वही काम, थीटा और लिमिट हमें चेंज। अब ये एक फंक्शन है उसकी हम फाइनल करना चाहें, इसका पीरियड है टी से लेकर थ्री टी बाय फोर तक जा रहा है ना, इसके लिए हम तो इसी तरह हम लिमिट पुट कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये समझ देखें यहां से शुरू हो रहा है तो ये फंक्शन ऑड है, ये जीरो आ गया, इस तरह से पॉजिटिव है तो माइनस है, साइन की तरह चल जाती है। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए हम सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड टू बाय टी, जीरो से टी तक साइन ऑफ एन थीटा है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, टी बाय टू से जीरो से टू, जीरो से टी बाय फोर तक जो उसकी वैल्यू है सिंपल टी है, टी बाय फोर से लेकर टी बाय टू तक जो उसकी वैल्यू है विथ माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय टू, मतलब ये कि हमने इसकी वो वैल्यू वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करेंगे। ये अगर ना भी फाइंड करते तो वो ठीक था, तो जो ए आसान की वैल्यू आ गई वही वाला हमारा सोल्यूशन है।